और आज की क्लास में हम सिर्फ सॉल्व करेंगे अपना मेड मिड टर्म एग्जाम सॉल्व करेंगे और आज डेट है 16th 11। तो जनाब हमारे मिड टर्म के अंदर टू क्वेश्चंस थे, है ना। पहले हम क्वेश्चन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको भी एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। और अगर किसी के मार्क्स बढ़ते होंगे तो मैं मार्क्स बढ़ा दूंगा, मैंने मार्क्स ही बढ़ाने हैं, आप मुझसे पैसे तो नहीं मांग रहे जब मैं कहूँ कि मैंने आपको नहीं देने, है ना। आप मुझसे मार्क्स ही कहेंगे ना, मार्क्स क्लेम करेंगे। अगर आपके मार्क्स बढ़ते होंगे तो मैं आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ा दूंगा, ठीक है जी। अगर आप ऑनलाइन हैं और आपने आंसर शीट चेक करवाना, फिर भी अपनी आंसर शीट चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे एक ईमेल करें, मैं आपके आंसर शीट स्कैन करके आपको भेज दूंगा और आप फिर आप मुझे ईमेल में मुझसे क्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ, आप इसको दोबारा चेक कर दें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, मतलब आना ज़रूरी नहीं है। आप अपना मार्क्स देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आंसर शीट देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं स्कैन करके आपकी सारी आंसर शीट आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल में जैसे आप मुनासिब समझें मैं आपको भेज दूंगा, ठीक हो गया जी। ठीक है ना, हमारा मकसद तो ये है कि हम आपको फैसिलिटेट करें मैक्सिमम, तो आप मुझे ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आकर देखना चाहें तो आपकी मर्जी। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम आपकी आंसर शीट आपको ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, और हो सकता है आपके ऑनलाइन आप क्लेम करें और आपके मार्क्स भी बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है कैप्टन जी। सर अच्छा कैप्टन, ये क्वेश्चन था जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, सिर्फ ये कि हमारा मकसद ये होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग चेक कर लें और आपको तंग करना, कुछ लोग समझते हैं आपको तंग करना हमारा मकसद है, तंग करना मकसद नहीं होता, हम पहले खुद बड़े तंग हैं, हमने आपको क्या तंग करना है। ठीक हो गया, तो जनाब ये सर्किट था, हम चाह रहे थे कि हम इसके लिए सी इन पहले सी इन गिवन है, सी आउट गिवन है और सी ई, और हम ये चाह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि इस कॉमन मीटर एम्पलीफायर में, क्योंकि मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं दी थी, आर वन आर टू सी इन सी आउट कोई वैल्यूज़ नहीं दी थी, मैंने कहा था आप एक्सप्रेशन बता दें ए पार्ट में, ए पार्ट में मैंने ये कहा था कि आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन बता दें कि क्या एफ सी एल होगा ड्यू टू सी इन, ये बता दें, और एफ सी एल का क्या एक्सप्रेशन होगा ड्यू टू सी आउट, और एफ सी एल का एक्सप्रेशन क्या होगा ड्यू टू सी ई। बस ये तीन एक्सप्रेशन मैंने आपसे पूछे थे इस क्वेश्चन में, मैंने पार्ट ए में, इस क्वेश्चन के पार्ट ए में मैंने आपसे ये तीन एक्सप्रेशंस पूछे थे। तो आसान है एक्सप्रेशन बताना, तो आसान है, आपके अपने एक्सप्रेशंस ठीक होने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि एरेजर है, बोर्ड एरेजर, जरा देखना सामने वाली क्लास में शायद मिल जाए। अच्छा तो कैप्टन जो एफ सी एल है ड्यू टू सी इन वो होता है, वो क्या होता है, एफ सी एल हमने पढ़ा हुआ है, एफ सी एल ड्यू टू सी इन होता है 1/2 pi आर इन सी इन, जबकि आर इन वो है बहुत ही बुरी हालत में, आर इन वो रेजिस्टर है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो यहाँ से इन साइड ऑफ द सर्किट देखने से नजर आती है, वो आर इन है। तो अगर हम एसी रेजिस्टेंस देखें तो एसी के लिए ये भी ग्राउंडेड होगा, ये वीसीसी ग्राउंडेड होगा, तो एक आर वन प्लस आर टू ग्राउंड तक का पाथ नजर आता है। यहाँ से देखें, ओ ये ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर नहीं था बल्कि ये डार्लिंगटन पेयर था। अच्छा अब ठीक हो गया,
भेजना, ऐसे था ये डार्लिंगटन पेयर था और इसमें दो ट्रांजिस्टर्स डार्लिंगटन पेयर में कनेक्टेड हैं, तो एक का बेटा बेटा वन है और दूसरे का बेटा टू है, ठीक हो गया। ऐसे था ये डार्लिंगटन पेयर था और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप एमिटर साइड की कोई रेजिस्टेंस, अच्छा एसी को कौन सी रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी, एक आर ई वन एक आर ई थ्री, आर ई टू नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि ये मिड बैंड में बाईपास होगी, ठीक हो गया। तो आर ई वन प्लस आर ई थ्री मल्टीप्लाइड बाई बेटा वन मल्टीप्लाइड बाई बेटा टू, ये वो पाथ हो, ये वो रेजिस्टेंस यहाँ नजर आ रही होगी और हम इससे पहले ये पढ़ चुके हुए हैं। क्यों लाइट्स तो बंद कर दें ये तो, और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हुए हैं, नहीं वो वाली करनी थी, ये वाली ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं अभी भी बोर्ड पर रिफ्लेक्शन है उस लाइट का। बंद कर लेंगे, उसका बटन नहीं मिल रहा, बस हो गए, हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए, अब बेहतरीन है। अच्छा तो हम ये चाह रहे हैं कि हम आर इन देखें, इनपुट रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं आर इन। तो और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डार्लिंगटन पेयर के लिए जो स्मॉल आर ई वन और स्मॉल आर ई टू हैं, ये भी जब इनपुट साइड पे देखेंगे तो ये भी बेटा से मल्टीप्लाई होती है ना, लेकिन हमने ये किसी एक पुराने लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब ये आर ई टू बेटा से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आती है तो ये इस आर ई के साथ ऐड हो जाती है, आर ई वन के साथ ऐड हो जाती है, और जो दूसरी टर्म होती है जो यहाँ पर आ रही होती है वो बेटा से मल्टीप्लाइड होती है। तो फाइनली हमने देखा था कि इन दोनों का इफेक्ट बहुत मिनिमम रह जाता है, कि जो जंक्शन रेजिस्टेंसेज हैं आर ईज, ये किसी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है, उसकी वीडियो भी होगी। तो ये स्मॉल आर ईज का इफेक्ट एक डार्लिंगटन पेयर के अंदर मिनिमाइज हो जाता है। तो किसी भी डार्लिंगटन पेयर में जो बेस की साइड पर रेजिस्टेंस है वो मीटर की साइड पर आपकी कनेक्ट की हुई रेजिस्टेंस बेटा वन टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा वन टाइम्स बेटा टू, ठीक। तो आपके पास जो आर इन है वो है, एक है आर वन प्लस आर टू, ये ग्राउंड तक का पाथ है, और इन पैरेलल विद बेटा वन टाइम्स बेटा टू टाइम्स आर ई वन प्लस आर ई थ्री, ऐसे ये ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। और ये आर इन हम यहाँ पर प्लग कर देते हैं, ये आर इन हम यहाँ प्लग कर देते हैं और ये एफ सी एल इन का एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये इस पार्ट ए का फर्स्ट टास्क जो हमने करना था वो ये है। दूसरा टास्क ये था कि आपने एफ सी एल फाइंड करना है ड्यू टू सी आउट, एफ सी एल ड्यू टू सी आउट होगा वन ओवर टू पाए। हमने ये पढ़ा हुआ है कि आर सी और आर एल ये दोनों इस एक पाथ में हैं, यानी सी आउट के चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए आर सी प्लस आर एल इसको सीरीज में नजर आती हैं, आर सी प्लस आर एल और सी आउट। ये ऐसी जगह बिकॉज आर सी और आर एल इन दोनों को फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये गिवन होते हैं, तो एफ सी एल ड्यू टू सी आउट ये ऐसे इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। और फाइनली एफ सी एल ड्यू टू सी ई ये है वन ओवर टू पाए आर आर ई इक्विवेलेंट टाइम्स सी ई। अब ये आर ई इक्विवेलेंट क्या होगा, आर ई इक्विवेलेंट वो है जो इस कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो कौन सी रेजिस्टेंस है, ये आर ई थ्री प्लस आर ई टू प्लस ये आर ई थ्री ग्राउंड तक, और ये आर ई वन प्लस इसके साथ और भी तो कुछ होगा, इसके साथ कुछ और भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, कौन सी रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। लेकिन जब इस बेस की साइड की रेजिस्टेंस को मीटर की साइड पे देखेंगे तो फिर क्या करते हैं, बेटा से डिवाइड कर देते हैं। जब इस साइड की रेजिस्टेंस को एमिटर साइड की आउटपुट साइड के रेजिस्टेंस को इनपुट साइड पर देखते हैं, बेस साइड पर देखते हैं, तो बेटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ की रेजिस्टेंस को इधर
देखते हैं तो बेटा से डिवाइड कर देते हैं। तो आर ई आर ई इक्विवेलेंट होगा आर ई थ्री प्लस आर ई वन प्लस आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय बेटा वन टाइम्स बीटा टू। ठीक हो गया, सही। तो ये इसके चार्ज या डिस्चार्ज होने का पाथ है। इसके चार्ज या डिस्चार्ज होने का पाथ है। आर ई इक्विवेलेंट वो चार्ज है, वो पाथ है जिससे सी ई डिस्चार्ज होता है। तो आपको याद होगा इससे पहले हमने ऐसे किया था, ये जो मतलब जो सर्किट हमने पहले पढ़े हुए हैं उसमें ऐसे करते थे, यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती थी उसमें ये आर टू होता था, ये आर वन होता था। यहाँ हम एक इसके दो पार्ट्स बना देते थे, एक आर ई वन होता था, एक आर ई टू होता था, और एक पार्ट को हम सी ई से बाईपास कर देते थे। ये हम इसलिए करते थे कि हम कुछ पोर्शन को बाईपास भी करना चाहते हैं क्योंकि हम ज़्यादा गेन लेना चाहते थे। आर सी ओवर आर ई प्लस आर ई गेन होता है ना, तो हम ज़्यादा गेन लेना चाहते थे इसलिए हम इस कुछ पार्ट को बाईपास कर देते थे। लेकिन कुछ पार्ट को हम बाईपास नहीं भी करते थे क्योंकि हमें कुछ ऐसी डिस्टेंस भी चाहिए जो स्टेबिलिटी दे रही होती है, इसलिए हम इसके स्टेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज वेल एज गेन को रिड्यूस, गेन को इंक्रीज करने के लिए, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ पाथ को डिवाइड कर देते हैं, कुछ पाथ को हम बाईपास कर देते हैं और कुछ पाथ को नहीं बाईपास करते। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होती थी वो ऐसे होती थी, आर ई टू इन पैरेलल विद आर ई वन प्लस स्मॉल आर ई, ये वाली, डिवाइडेड बाय आर वन इन पैरेलल विद आर टू डिवाइडेड बाय बेटा। यानी कि जो आर वन इन पैरेलल विद आर टू यहाँ नजर आ रही है, जब इसको आउटपुट साइड पे लेकर जाते थे तो बेटा से डिवाइड कर देते थे, और ये वाली रेजिस्टेंस इस आर ई टू के साथ एक ग्राउंड का पाथ ये होता था और एक ऐसे ग्राउंड का पाथ ये मिल जाता था। तो यहाँ पर हमें एक ग्राउंड का पाथ आर ई थ्री के थ्रू मिल रहा है लोअर साइड पे, और अपर साइड पे हमें एक ग्राउंड का पाथ मिल रहा है इस आर ई वन के थ्रू, ऐसे यहाँ तक ग्राउंड का पाथ मिल रहा है। जी अच्छा, दूसरा है कि कंप्यूट, मैंने लिखा हुआ था राइट एन एक्सप्रेशन टू कंप्यूट मिड बैंड गेन। सेकंड पार्ट ये था कि मिड बैंड गेन फाइंड करना था। अच्छा, मिड बैंड गेन कैसे फाइंड करते हैं, मिड बैंड गेन बी पार्ट था मिड बैंड गेन, ए बी इन मिड बैंड। मिड बैंड गेन वही होता है जो हमने लास्ट कोर्स में ईडीसी के कोर्स में पढ़ा था, वो मिड बैंड का ही गेन होता है, माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय ये स्मॉल आ रही, ये स्मॉल आ रही, लेकिन हम इनको निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये वाली आर ई ज्यादा है आर ई वन, ये आर ई टू नहीं क्योंकि ये बाईपास्ट है, आर ई थ्री प्लस आर ई थ्री। ठीक है, और प्रिसाइजली स्पीकिंग अगर इसमें दो क्वांटिटीज और ऐड करें तो ये स्मॉल आर ई टू और आर ई वन डिवाइडेड बाय बेटा टू। ठीक है, ये आर ई टू तो यहाँ होगी, आर ई वन इस आर ई वन चूंकि यहाँ है, आर ई टू तो यहाँ है ना, इसलिए ये तो ऐसे ही नजर आ गई, आर ई टू तो ऐसे ही नजर आ गई, आर ई वन यहाँ है
जब आप उसको यहाँ देखेंगे तो वो भी डिवाइडेड बाय, लेकिन ये दोनों टर्म्स बहुत स्मॉल है कंपेयर टू आर ई वन एंड आर ई टू, तो अप्रोक्सीमेटली ये यही है ए वी मिड बैंड यही है माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर एल ओवर आर ई वन प्लस आर ई थ्री। अच्छा वन डिकेड स्मॉलर, अगर हमें ये पढ़ा हुआ है हमने कि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाएं तो ये ऐसे होता है, फिर जब फर्स्ट कट ऑफ मिल जाती है तो ये -20 dB पर डिकेड से डिक्रीज होता है, जब सेकंड मिल जाती है तो -40 और फिर -60 से। तो ये जो लोअर साइड के ऊपर एफ सी एल है वो ऐसे एक कट ऑफ पॉइंट ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। यहाँ पर जो डिक्रीज है वो फॉल है वो -20 dB पर डिकेड होता है, यहाँ पर -40 dB पर डिकेड होता है और यहाँ होता है -60 dB पर डिकेड। तो ये पूछा हुआ था कि अगर आप एक डिकेड नीचे चले जाएं तो आपका गेन कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका आंसर ये है कि हमारे पास जो गेन होगा ए वी न्यू वो होगा ए वी इन मिड बैंड इन डी बीज -20 dB। अगर ए वी को डी बीज में लिख लें, मिड बैंड के गेन को डी बीज में लिखें, तो उसमें से 20 dB माइनस कर देंगे क्योंकि आप एक डिकेड नीचे चले गए हैं, तो एक डिकेड नीचे का गेन 20 dB लेसर होगा, 20 dB लेसर होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर वन था, अभी अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। जी कैप्टन कोई क्वेश्चन है? तीन लोग हमारे पास हैं ऑनलाइन भी, तीन लोग ऑनलाइन, एक तलहा है, एक बच्चे का नाम तलहा है, तलहा तुफैल है, और एक रोल नंबर 120 है, एक 102 है, एक 37 है, एक 84 है, एक 9 है और एक 108 है। हाँ 9 कौन है? किसी ने आपका भी लिख दिया? नहीं 89 है, सॉरी कुमैल अब्बास है, 89 है, मुझे लगा आपको भी किसी ने प्रेजेंट कर दिया, उसको आपने कहा होगा ना मुझे प्रेजेंट कर देना आपने। अच्छा कुमैल अब्बास यार है, अच्छा अच्छा आपने उसे, हो सकता है आपने किसी को कहा भी मुझे तुम प्रेजेंट कर देना, अच्छा वहां पे मुझे प्रेजेंट कर देना यूट्यूब पे जाकर, और आप खुद आ भी गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है एक, ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर टू है कि हमारे पास एक सर्किट है जो कि क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर से था, ऐसे ही था ना कैप्टन? क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर का क्वेश्चन था। ये था जनाब -9 volts और ये था वीसीसी, इसका वीसीसी था +9 volts और ये एक 1K का रेजिस्टर था और ये एक 1K रेजिस्टर है और दरमियान में यहाँ पर दो डायोड्स लगे हुए हैं D1 और D2 और जनाब यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, RL 50 ओम्स का है, 50 ओम्स RL है और दैट्स ऑल। अब आपसे ये पूछा गया है इसके फर्स्ट पार्ट में कि VB1 और VB2 बता दें, पार्ट ए है, आपने पहले बताना है VB1 क्या होगा। देखो जो VB1 है ना वो VBE1 से मुख्तलिफ है ना,
क्या फर्क है वी बी वन और वी बी ई वन में? ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ऐसे करके ये बेस है, ये एमिटर है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो वी बी वन, वी बी ये वोल्टेज, वी बी भी कौन सा वोल्टेज है? अगर आप एक वोल्टमीटर ऐसे अटैच कर दें कि एक एंड के एक एंड बेस पर हो रेड लीड और ब्लैक लीड हो, वोल्टमीटर की ब्लैक लीड हो ग्राउंड पर, तो वो वी बी है। लेकिन अगर आप वोल्टमीटर ऐसे अटैच कर दें कि रेड लीड बेस पर हो और ब्लैक लीड एमिटर पर हो, तो वो वी बी ई है, बेस एमिटर वोल्टेज है। वो पिछले वाला दरवाजा बंद कर रहे हैं, वो वाला रिफ्लेक्शन हो रही है, वी बी ई है। तो एक वी बी है, एक वी बी ई है, कैप्टन बात समझ आ गई ना? तो हमने वी बी ई नहीं पूछा हुआ, हमने पूछा हुआ वी बी। वी बी मतलब बेस का वोल्टेज, बेस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक हो गया। तो बेस टर्मिनल का वोल्टेज, बहुत गंदे रिजल्ट हैं, ये बोर्ड खराब करते हैं, हमने उधर बायोमेडिकल में काफी सारे चेंज करा दिए। ये इन्होंने बहुत बुरे परचेज किए थे, मैंने इनको मना किया, स्टोर वालों को मैंने मना किया कि आइंदा ये परचेज ना करना। हाँ, ये मैंने इनको मना किया कि आइंदा ये वाला परचेज ना करना, वो मान गए। अब उन्होंने जो नेक्स्ट परचेज किए वो इससे बेहतर है। अच्छा, वी बी वन आपको फाइंड करना है। वी बी वन क्या होगा? ये आपके पास बी वन है, ये बी टू है। मैं क्यों इसको बी वन कह रहा हूं? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्यू वन है और ये ट्रांजिस्टर क्यू टू है, इसलिए ये बी वन है, ये बी टू है। तो अगर हम बी वन का वोल्टेज फाइंड करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बी वन है और ये बी टू है, बेस टू है। ये मीटर वन और मीटर टू एक ही है, ये सी वन है, ये सी टू है। सी वन 9 वोल्ट के साथ लगा हुआ है, सी टू माइनस 9 के साथ लगा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि वी बी ई क्या होगा, वी बी ई वन क्या होगा? पहले तो ये बताए ना, वी बी ई वन क्या होगा? बेस मीटर वोल्टेज 0.7 होगा। और आपको याद है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है प्लस 9 और माइनस 9 वाली, ड्यूअल पावर सप्लाई वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है उसका डीसी लेवल जीरो होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ। आप देख रहे हैं कैपेसिटर नहीं लगा हुआ आउटपुट के ऊपर। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि आउटपुट पर डीसी जीरो है, ये ऐसे बाइस्ड है कि आउटपुट पर डीसी वोल्टेज जीरो है और उसके ऊपर एसी स्विंग कर रहा है। आउटपुट का कैपेसिटर हमेशा इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपकी आउटपुट एसी जीरो डीसी के अलावा किसी प्लस या माइनस वोल्टेज के ऊपर स्विंग कर रही है तो आप उसको जीरो पर लाना चाहते हैं, इसलिए आप आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगाते हैं। जनरली वो प्लस किसी वोल्टेज पे होती है। अगर आप वीसीसी और ग्राउंड यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जो आउटपुट डीसी लेवल होता है वो वीसीसी बाय 2 होता है, जनरली स्पीकिंग। उसके ऊपर आपके एसी साइनसॉइडल वेव स्विंग कर रही होती है, आप क्या चाहते हैं कि आप उसका डीसी लेवल जीरो कर दें, इसलिए आप कैपेसिटर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, इसकी बायसिंग ऐसी होती है कि आउटपुट पर डीसी वोल्टेज जीरो होता है, क्योंकि आपके पास डीसी पावर सप्लाईज ड्यूअल है, ड्यूअल पावर सप्लाई है, उनका मिड जाहिर बात है जीरो होगा। प्लस 9 और माइनस 9 का मिड क्या होगा? प्लस 9 और माइनस 9 का मिड क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? प्लस 9 और माइनस 9, आप माइनस 9 से चले हैं प्लस 9 की तरफ जा रहे हैं, मिड पॉइंट क्या होगा? जीरो। आप ये माइनस 9 है, ये माइनस 9 पॉइंट है, ये प्लस 9 पॉइंट है। आपने चलना शुरू किया, आप समझ रहे हैं आप एक टर्टल हैं, आप चल रहे हैं आराम आराम से, टॉर्टोइज हैं आप, एक टॉर्टोइज हैं आप, आराम आराम से चल रहे हैं। आधा रास्ता कहाँ होगा? जीरो के ऊपर होगा। माइनस 10 और प्लस 10 का मिड पॉइंट कहाँ होगा? वो भी जीरो होगा। माइनस 100 और प्लस 100 का मिड पॉइंट, वो भी जीरो ही होगा। तो सारे माइनस और नेगेटिव जो हम पावर सप्लाई ड्यूअल पावर सप्लाईज लगाते हैं प्लस और माइनस, उनका मिड पॉइंट जीरो होता है। हम इसको ऐसे बायस करते हैं कि आउटपुट पे ये जीरो होता है, इसलिए हमें इस कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती। आउटपुट के ऊपर डीसी वैसे जीरो होता है, ठीक हो गया जी। तो हम ये चाहते हैं, और हमने यहाँ पर एक इनपुट भी अप्लाई की होती है ऐसे, वो मैंने नहीं बनाई, शायद बनाई तो मैंने रेस कर दी, नहीं बनाई। अच्छा जी, वी एन, ठीक हो गया, ये एसी इनपुट है। अच्छा, वी बी ई वन तो 0.7 है, एमीटर का अपना वोल्टेज ये ई वन है और यही ई टू भी है, ये सी वन है, ये सी टू है, एमीटर का अपना वोल्टेज जीरो है। तो वी बी वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी ई वन
प्लस वी वन, वी बी ई वन तो 0.7 है और एमिटर जो कि ग्राउंडेड है, जीरो ग्राउंडेड, डीसी ग्राउंडेड है इसलिए जीरो, तो ये 0.7 वोल्ट्स हो गया, वी बी वन 0.7 वोल्ट्स, वी बी वन है 0.7 वोल्ट्स। अच्छा अब आप बताएं कि वी बी टू क्या होगा, वी बी टू क्या होगा, जीरो इसलिए माइनस होगा क्योंकि वो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर का वोल्टेज बेस के वोल्टेज से हायर होगा तो ही बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो सकेगा। एमिटर का वोल्टेज 0.7 हायर होगा तो ही ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो सकेगा। तो यहाँ पर बेस का वोल्टेज लोअर होता है तो वी बी टू असल में है, वी बी टू ये बेस से लेकर एमिटर ग्राउंड तक का वोल्टेज है, लेकिन वी ई बी टू क्या है, वी बी ई टू क्या है, वी बी ई टू प्लस वी ई टू, वी बी ई टू है माइनस 0.7। मैंने इसको प्लस 0.7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वी ई बी टू जो है ना ई बी, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांसफर है तो इसमें वी ई बी पॉजिटिव होगा लेकिन वी बी ई नेगेटिव होगा, नेगेटिव 0.7 लिख दिया। इसका मीटर में वहीं ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड है जो डीसी ग्राउंडेड है इसलिए जीरो, तो ये हो गया माइनस 0.7 वोल्ट्स, तो वी बी टू माइनस 0.7 वोल्ट्स है। अच्छा और पार्ट बी में मैंने पूछा हुआ था आई सी वन एंड आई सी टू। अच्छा अब आई सी वन क्या होगा, आई सी वन, आई सी वन चूंकि ये करंट मिरर है इसलिए ये करंट इक्वल होगा वी सी सी माइनस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 के, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो होता है वी सी सी माइनस वी बी वन डिवाइडेड बाय आर वन जो कि है 1 के, तो ये है 9 माइनस 0.7 ओवर 1 के 8.3 मिली एम्पीयर्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, कहाँ पढ़ी हुई हैं जब हम ये पढ़ रहे थे मिड से पहले, और यही आई सी टू भी होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो आई सी वन आई सी टू एक ही है 8.3 मिली एम्पीयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि फॉर अ 10 वोल्ट पीक साइनोसॉइडल इनपुट, यानी अगर ये इनपुट 10 वोल्ट पीक हो जाए। अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि साइनोसॉइडल इनपुट की RMS वैल्यू गिवन होती है, कई दफा पीक वैल्यू गिवन होती है, कई दफा पीक टू पीक वैल्यू गिवन होती है कैप्टन, तो सी पार्ट में हमें गिवन है कि वी इन 10 वोल्ट्स पीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक ऐसा साइनोसॉइडल वोल्टेज है जिसकी ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक 10 वोल्ट्स है, और ऑफ कोर्स उसकी पीक प्लस 10 पे आती है और नेगेटिव पीक माइनस 10 पे। 10 वोल्ट पीक का मतलब 20 वोल्ट पीक टू पीक भी होता है, तो 10 वोल्ट पीक को अगर आप आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहें तो वी इन आरएमएस होगा, वी इन आरएमएस होगा 0.707 टाइम्स 10, इतने वोल्ट्स 0.707 टाइम्स 10 7.07 वोल्ट्स। ये आरएमएस होगा, आरएमएस हमें क्यों, हम इसको आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि आप इस आरएल में पावर डिसिपेटेड फाइंड करें। ये 10 वोल्ट जब यहाँ पर हैं इस डायोड के एमिटर पर, इस डायोड के कैथोड पर हैं, तो एनोड पे क्या वोल्टेज होगा, इससे 0.7 हायर यानी 10.7, फिर एक और डायोड आ गया। अब इस डायोड के एनोड पर 10.7 है तो कैथोड पर क्या होंगे 10.7, फिर माइनस 0.7 तो 10, क्योंकि ये करंट एम्पलीफायर्स होते हैं इनके वोल्टेज गेन्स 1 होते हैं, वोल्टेज गेन 1 होते हैं, तो वोल्टेज गेन 1 है तो वी आउट भी, वी आउट की आरएमएस वैल्यू भी वही है 7.07 वोल्ट्स। तो पावर डिसिपेटेड इन लोड रेजिस्टर हो गया वी आउट RMS squared over RL। ये RMS को ही square करके divide by RL करते हैं,
पी को स्क्वायर कर लिया करें। एलसीए में पढ़ा था पहली दफा, लीनियर सर्किट एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर आप पीक यूज करेंगे तो फिर आप एक 1/2 यूज करते हैं, ऐसा 1/2। अगर आप आरएमएस यूज करते हैं तो उस 1/2 से जान छूट जाती है, उस 1/2 की जरूरत नहीं है। ये हम पढ़ते हैं एलसीए में, लीनियर सर्किट एनालिसिस में, जहां जो फर्स्ट कोर्स है उसमें जब हम पावर का सेक्शन पढ़ाते हैं तो वहां हम पढ़ाते हैं कि पावर का एक्सप्रेशन जब डिराइव करते हैं तो यहां पर एक 1/2 आ जाता है जब हम पीक वैल्यूज को देख रहे हैं। जब हम उसको आरएमएस बनाते हैं तो वो 1/2 गायब हो जाता है। तो हमारे लिए आसानी है कि 1/2 गायब हो जाता है तो ये लिखना ज़रा आसान है, इसलिए आरएमएस के अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 7.07 स्क्वायर्ड। तो ये पेपर मुश्किल नहीं था, हमने इसको जान के आसान बनाया, एग्ज़ाम को मैंने जान के आसान रखा था। उसकी रीज़न ये थी कि हम इस पेंडेमिक की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम्स हम ऑनलाइन पढ़ते नहीं, हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते रहे, तो मैं ये चाहता था कि हम इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक आसान क्वेश्चन पेपर के वर्सेज भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट्स हैं, एक ये भी हो गया तो क्या हुआ। क्यों जी? अच्छा, मॉडिफाई द सर्किट लास्ट पार्ट है, उसके बाद मैं आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। मॉडिफाई द सर्किट इफ द नेगेटिव सप्लाई इज नॉट अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली। इस सर्किट को मॉडिफाई कर लें, अगर सपोज कर लें हमारे पास नेगेटिव सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो उसका एक तरीका जो मैंने अपने सोल्यूशन में बनाया है, इसे ऑफकोर्स ये तो ग्राउंड होगा ही होगा, इसको आप 18 वोल्ट्स कर लेंगे, वो 9 के 9 यहाँ पहुँच जाएंगे, 9 और 9 18 वोल्ट सिंगल सप्लाई अवेलेबल है, और ये सब कुछ वही रहेगा। लेकिन जब आप इसको 18 वोल्ट्स और इसको जीरो करते हैं ना, तो फिर आपका मिड आ जाता है +9 के ऊपर, यानी यहाँ पर आपके पास अब डीसी वोल्टेज जीरो नहीं है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसको बायस किया हुआ है, ये पॉइंट मिडल में है। तो जीरो और 18 का मिडल क्या है? जीरो से चले आप एक टॉर्टाइज हैं और आप 18 की तरफ चले, मिड पॉइंट कहाँ आएगा? 9 पे आएगा, तो ये 9 वोल्ट्स पर है। अगर इसके डीसी 9 वोल्ट्स हैं तो फिर आपको एक कैपेसिटर चाहिए, क्योंकि आपने आउटपुट पर डीसी क्लैम्प्ड वोल्टेज आपको नहीं, आपको चाहिए आप वोल्टेज एन एसी वोल्टेज स्विंगिंग ऑन जीरो वोल्ट्स, स्विंगिंग एट जीरो वोल्ट्स। ठीक है, बात समझ आ गई? जीरो वोल्ट्स पे स्विंगिंग वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर एक कैपेसिटर सी आउट हमें अब चाहिए। ये मॉडिफिकेशन की वो पहली चीज़ है जो मैं देखना चाहता था आपसे। दूसरी बात यह है कि ये पॉइंट भी सेंटर में नहीं है, ये पॉइंट भी अब सेंटर में नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी डीसी वोल्टेज नॉन जीरो है। तो इसलिए हम ऐसे सर्किट्स को, आपको याद होगा कि जब हम सिंगल सप्लाई सर्किट्स यूज़ करते थे हम जब क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स लगाते थे और यहाँ पर सप्लाई देते थे, इसको C1 बोलते थे, इसको C2 बोलते थे, और यहाँ दरमियान में हम सप्लाई दे देते थे, ये हमारा स्टाइल होता था। ठीक हो गया, और ये सप्लाई भी इसलिए कि अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट्स नहीं है, बल्कि कुछ अदर दैन 0 वोल्ट्स की वोल्टेज है, यहाँ पर भी अदर दैन 0 वोल्ट्स। अभी हम देखते हैं कितना है। ठीक हो गया, तो ये हमें ये सर्किट में ये मॉडिफिकेशंस करनी थी ताकि हम इसको एक सिंगल पावर सप्लाई का सर्किट बना सकें। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, आप चीट शीट बनाकर लाए हुए थे, चीट शीट में आपके पास सिंगल पावर सप्लाई का सर्किट हो गया, आपने वही छापा लगा देना था यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं लगाया लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने वो भी नहीं लगाया, है ना, ऐसे ही है ना, वो भी नहीं लगाया, मैंने देखा है वो भी नहीं लगाया उन्होंने, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लगाएंगे छापा, हम छापा लगाने के आदी नहीं है, हम अच्छी बात नहीं समझते इसको। अच्छा, उसके बाद ये था आखिरी जो लास्ट पार्ट है, बट लास्ट पार्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ए स्टैटिक कर दूँ इसको, ए अगेन, ए बी सी पार्ट्स अगेन करने थे ना, तो मैं इसको ए स्टैटिक लिख देता हूँ। ए स्टैटिक मतलब ए पार्ट अगेन फॉर दिस न्यू सर्किट, ए पार्ट फॉर दिस न्यू सर्किट, वी बी वन और वी बी टू फाइंड करने हैं। वी बी वन, लेकिन हम पहले वी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि वी बी वन हमें पहले से पता है कि वो वी बी ई वन प्लस वी ई वन के इक्वल है, ये तो हमें पता है ना। वी बी वन जो है बेस एमिटर वोल्टेज प्लस वोल्टेज ऑफ एमिटर, जो डीसी वोल्टेज है। अच्छा, डीसी वोल्टेज एमिटर के ऊपर है वो यकीनन दरमियान का वोल्टेज है, 18 और 0 के दरमियान का वोल्टेज है, यानी 9 वोल्ट्स है। तो ये तो 9 हो गया जनाब,
VBE1 0.7 हो गया, तो ये बन गया 9.7 वोल्ट. सो VB1 जो है ना अब 0.7 नहीं है जैसे कि पहले प्रीवियस सर्किट के लिए था, बल्कि अब ये 9.7 है क्योंकि एमिटर वोल्टेज अब 0 नहीं है बल्कि एमिटर 9 वोल्ट डीसी के ऊपर है. सिमिलरली VB2 होगा, VB2 होगा VBE2 प्लस VE2. ये तो 9 ही है लेकिन ये VBE2 होगा प्लस 0.7 के बजाय माइनस 0.7. तो VB2 हो गया 9 माइनस 0.7 8.3 वोल्ट्स. तो ये पॉइंट 8.3 वोल्ट्स पर है और ये पॉइंट 9.7 वोल्ट्स पर है. ठीक हो गया जी. अब क्योंकि ये करंट मिरर है तो IC फाइंड करने के लिए VCC माइनस 9.7 डिवाइड बाय 1 के. तो IC 1 पार्ट बी ये पार्ट ए हमने वहीं कर लिया है. पार्ट बी स्टैटिक मतलब पार्ट बी फॉर द न्यू सर्किट, पार्ट बी स्टैटिक बोल देते हैं इसको. IC 1 इज VCC 1 VCC जो कि है 18 माइनस VB1 अब 0.7 नहीं है बल्कि 9.7 है. मैं 0 को 9 ऐसे ही बनाने लगा था इसलिए मुर्गियों वाले ने बनाया होता है. मुर्गी कैसे किलो होती है? 169. ठीक है, ये मुर्गी है 160 रुपीज़ केजी नहीं है, ये 169 रुपीज़ केजी है. वो 9 को ऐसे करके ना बड़ा सारा 0 बना के ना छोटा सा ऐसे की डंडी सी लगाई होती है. जब आप करी जाते हैं ना, आप तुलवा लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, मुर्गी सीबा करा के ले लेते हैं, तो वो आपसे कहता है ये जी 160 नहीं है, ये तो 170 है. आप कहते हैं नहीं, तुमने खुद 160 लिखा हुआ है, ये कैसे 170 है? वो कहता है अपना बाबूजी जरा गौर करें, आगे जाएं गौर से देखें. जब गौर से देखते हैं वो बड़ा सारा 0 लगा के छोटी सी डंडी लगाई होती है. तो यहाँ एक सवाल है वो ये कि अगर हम ऐसी बेईमानी से जो कुछ कमाएंगे उसमें क्या बरकत होगी? अगर हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे, हम टीचर हैं, अगर हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि हम MIT में जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उस तरह की क्लास पढ़ाते हैं, वो तो हम खैर पढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी एनर्जी और अपने टाइम को उस काम में नहीं लगाएंगे जिसके लिए हम सैलरी लेते हैं या जिसके लिए हमें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो जो कुछ हम कमा कर ले जाएंगे उसमें बरकत कैसे होगी? नहीं हो सकती ना. अगर मैं क्लास ना पढ़ाऊँ, मैं कहूँ 4 स्टूडेंट्स आए मैं तो क्लास नहीं पढ़ाता, ये 3 बैठे हैं मैं तो नहीं क्लास पढ़ाता, मैं अगले हफ्ते क्लास पढ़ाऊँगा, सैलरी तो पूरी ले जाऊँगा उस महीने, तो मेरी उस कमाई में बरकत कैसे होगी? हम में से हर शख्स, वो मुर्गी वाला भी यही कहता है कि दूर से कोई 160 पढ़ के आ जाए और करीब आके मैं उससे 170 ले लूँ, मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, उससे क्या बरकत होगी? वो तो कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगा, ऐसे निकल जाएंगे. हम अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस और इस बात में कि अल्लाह ताला सब कुछ करने पर कादिर हैं, हम इस पर बहुत कम यकीन रखते हैं. हम बेमानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि बेमानी के ऊपर डिपेंड नहीं करता मुसलमान, बेमानी के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता है ना, बेमानी से तो बचना होता है, अपनी मेहनत पर डिपेंड करना होता है, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, वो तो हम करते ही नहीं है, अनफॉर्चुनेट. चलें खैर, तो 18 माइनस 9.7 डिवाइड बाय 1 के, 18 माइनस 9 तो हो गया 9.7 और निकाल दो तो 8.3 हो गया, 8.3 मिलेगा. IC2 भी यही होगा. अच्छा, वी इन अब 10 वोल्ट्स पीक है, बंद कर दें अच्छी तरह. 10 वोल्ट्स पीक है, अगर वी इन 10 वोल्ट्स पीक है तो वी इन RMS यही होगा और जो हमने पहले कंप्यूट किया था पावर भी वही होगी, PL वी आउट RMS स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय RL, तो वही सेम ही पावर होगी जो पहले थी. 1 वॉट बनती है, 1 वॉट पावर ही रहेगी, पहले भी 1 वॉट थी, अभी भी 1 वॉट है. हाँ, अगर आप कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ऐसे किया, इसको ग्राउंड कर दिया और इसको प्लस 18 की बजाय प्लस 9 कर दिया, वो भी ठीक है, हमने ये तो नहीं कहा था कि आप प्लस 18 करें, मैंने उनका क्वेश्चन भी ठीक कर दिया,
जिन्होंने इसको प्लस 14 की जगह, लेकिन जब ये वैल्यूज पुट करेंगे थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा, इसका 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, पावर बी को 0.5 के करीब आ जाएगी, तो मैंने वो आंसर भी ठीक कर दिए। अच्छा ओहो, अच्छा हम ये आंसर शीट इसलिए दिखाते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की हुई है तो आप उसे करेक्ट करा लें। तो मैं अभी ये क्लेम कर रहा हूँ अपनी क्लास में, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है और वो देख भी रहे हैं बच्चे, अगर किसी ने इसको 9 वोल्ट्स और इसको ग्राउंड किया हुआ है और मैंने उसका क्वेश्चन गलत किया हुआ है तो मुझसे ठीक करवा लें, ठीक है, हम उसको पूरे मार्क्स दे देंगे। उसके इसमें क्या आंसर आ जाएगा, अगर ये 9 हो तो ये फिर 9 नहीं होगा, ये 4.5 होगा, है ना, 4.5 में से ये 0.7 माइनस कर देंगे तो ये 3.8 हो जाएगा, और वो भी ये माइनस हो जाएगा और VB1 प्लस हो जाएगा, नहीं 4.5 ये माइनस और ये जो VB1 है वो हो जाएगा 4.5 प्लस 0.7 यानी 5.2 हो जाएगा, ठीक हो गया, अगर इसने ऐसे किया तो भी ठीक है। और IC1 हो जाएगा 9 माइनस 5.2, ठीक है, 9 माइनस 6 कर देंगे 3.8 मिली एम्पीयर्स, और ये 10 ही रहेगा, हाँ नहीं नहीं आंसर है ना, पहले वाले पार्ट में तो ये 0.7 आता था, ये माइनस 0.7 आता था, ये 0.7 था, ये माइनस 0.7, ये 5.2 है, ये 3.8 है, उस केस में IC1 डिफरेंट था, 8 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे 3.8 मिली एम्पीयर है। इनपुट अगर वही 0.7 है तो चले 0.7, और आइडियली स्पीकिंग 0.7 स्क्वायर्ड टाइम्स 10 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 50। आई होप इस पर कोई क्लिपिंग नहीं होती। 0.707 स्क्वायर्ड 5 है टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 डिवाइड बाय 5, चले बहरहाल, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो 10 वोल्ट पीक होगा, यहाँ आपके पास 9 है तो 10 वोल्ट पीक सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि 10 वोल्ट पीक को पे कुछ क्लिपिंग हो जाएगी, है ना, जब आपके पास आप यहाँ पर 9 है ना, अगर आप 10 वोल्ट पीक चाहें तो फिर इसको 19 होना चाहिए, है ना, 4.5 है, चले खैर बहरहाल, अगर हम क्लिपिंग को निगलेक्ट कर दें कुछ देर के लिए, हम निगलेक्ट कर दें क्लिपिंग को, क्योंकि कुछ क्लिपिंग हो जाएगी, यहाँ पे इतना मार्जिन होना चाहिए डीसी में कि जो आपके आउटपुट एसी है वो स्विंग कर सके, तो यहाँ पे मार्जिन है नहीं, क्योंकि 4.5 वोल्ट है, ये 9 है, तो अगर आपके पास 3 वोल्ट पीक होता तो फिर हो सकता था, 3 वोल्ट पीक होता तो हो सकता था, क्योंकि 3 वोल्ट पीक जो है वो 4.5 के ऊपर 3 वोल्ट यानी 7.5 तक जाएगा और नीचे 1.5 वोल्ट तक जाएगा, तो ये विदाउट क्लिपिंग होगा, ये कुछ क्लिपिंग के साथ होगा, लेकिन आइडियली स्पीकिंग 10 वॉट पावर भी अगर किसी ने लिखा तो मैं वो भी ठीक कर दूंगा, ठीक हो गया, तो अगर किसी ने ऐसे लिखा है तो ये मैं उसको पूरे मार्क्स दूंगा, अगर किसी को नहीं दिए हुए तो वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर दिखा दें हम, अब जो लोग ऑनलाइन है वो मुझसे ईमेल पर अगर चाहें तो डिमांड कर सकते हैं।